हीर की शादी अटखेड़े के बादशाह खड़ के साथ में करती, प्यार रांझे से करती थी। डोड़ा जा रहा था, रांझा काले डेर में भैंस चरा रहा था, और जब डोड़े को जाते हुए देखा तो ये समझ लो कि जैसे रांझे के दिल पे बिल्कुल तीर चल रहे हो। जाती हुई हीर को देखा, डोड़े के पास में पहुंच गया, डोड़े को रुकवाया और कहा, ए बेवफा हीर, 12-13 साल तेरी भैंस चराई और धोखा देकर के आज तू उस अटखेड़े के बादशाह खड़ की लुगाई बनकर के चाल पड़ी। हीर ने इशारा कर दिया, रांझे 3 दिन में या तो तेरे पास में आ जाऊंगी और 3 दिन में ना पाऊं तो तू एक काम करना, तू साधक पीर पर आ बैठना और तुझे मैं वहां से बुलवा लूंगी। जब 3 दिन कोई मुलाकात नहीं हो पाई तो रांझे ने बाबा जी का यानी कि फकीर बाबा का भेष बनाया, साधक पीर पर जा बैठा। और उधर तीसरी रोज हीर ने झूठा ढोंग रचा दिया कि मुझे तो काले नाग ने सर्प ने काट लिया और मेरे पीहर में एक साधक पीर की पूजा होती थी, उस पीर पे जो फकीर बाबा रहते हैं उनके झाड़े से ही मेरा जहर उतर सकता वरना बचू नहीं। तो हीर की ननद सेती साधक पीर पर उस फकीर बाबा के पास में पहुंचती है। राजा बना हुआ फकीर थोड़ी देर के लिए मैं हूं, हीर की ननद सेती वो दीपा चौधरी है। कैसे बातचीत हो रही है, आइए। ओ बाबा जी, ओ मोटे, कौन सा मंत्र बोलूं? हरिओम नमः शिवाय। नमः शिवाय का जाप कर रहा हूं पर पीर पे बैठा हूं। बोलो पीर बाबा की जय। अब तू ही देख ले क्या करना है। दोनों तरफ की बात चलानी पड़ेगी मुझे। मुझे ऐसा लगे तेरा दिमाग सटिया के लगे। मेरा दिमाग ठीक है? कौन है जो इस दुखिया इतनी रात में आकर के और इस फकीर बाबा के पास में आकर के अर्जी लगा रही है? एक बार खड़े हो जाओ, पहले धोने पर मस्तक तो टेक। मस्तक बाद में टेकूंगी, पहले खड़े हो। अच्छा धोख ना खा रही? ना मैं ना खा रही धोख, मुझे ही खड़ा होना पड़ेगा। कोई ज्यादा ही सताई हुई दुखिया आ गई है? बहुत सताई हुई हूँ, बहुत दुख की मारी हूँ। एक काम करो, हाँ मेरे साथ चलो जल्दी। रुक तो सही, कहाँ लेके जा? अपने घर। तेरे घर क्या करूंगा मैं? मेरी भाभी है ना बहुत बीमार है। बीमार? हाँ। तेरी भाभी के क्या बीमारी हुई? मेरी भाभी को सांप ने डस लिया। सर्प ने? मेरी बात सुन ले, सुबह से अब तक इसको भजन की याद नहीं थी। हाँ अब डलगी ना भी, तेरा भजन याद आ रहे। चिंता मत ना कर, इतनी रात में आई है, तेरा संकट तो मेटना पड़ेगा मुझे, पर कोई साधन भी लेकर आई है या? मेरी भाभी को सांप ने डस लिया। सांप ने काटा तेरी भाभी को? हाँ डस लिया। कैसा सांप था? सांप काला। काला ना कालो? हाँ काला सांप था। काला। कितना बड़ा था? होगा इतना बड़ा। अच्छा छोटे नहीं पकड़ी है? इतना भी हो सके मैंने नहीं देखा। अच्छा हाँ। सांप का मुंह कैसा था? सांप का मुंह ऐसा था जो अभी आया था। अब तुझे एक्स्ट्रा करके तू सांप का पूरा। बहुत जहरीले नाग ने तेरी भाभी को डसाया, पर मेरी बात सुन ले। मैंने सांप नहीं देखा था, सांप मेरी भाभी ने देखा, उसी ने मुझे बताया कि मुझे सांप ने काट लिया है, जल्दी जल्दी वहां जाओ। चिंता मत ना करे, सर्प काटने का इलाज करता हूँ मैं, जल्दी चलो, इतना मेरी भाभी मर लेगी। तेरी भाभी को मरने नहीं दूंगा, 2 मंत्र तो यहीं से बोल दिए मैंने। मंत्र? हाँ मंत्रों से ही उतारू मैं जहर, और का यहीं से मंत्र बोलने शुरू कर दिए मैंने। अब तेरी भाभी मरेगी नहीं, अगर बाढ़ में भी सांस रह जाएगा तो भी जीवित करके आऊंगा, गारंटी है। ओ यमराज लिख के दूं। ऐसा है अगर मंत्र यहीं से मार देगा तो फिर मैं तुझे क्यों ले जाऊंगी? नहीं लेकर तो चलना पड़ेगा, कुछ झाड़ा वहां पे भी देना पड़ेगा, जब ही सोती में आएगी वो, जब ही होश में आएगी। तो जल्दी चल फिर, देर मत करे। ऐसे ही चलूं? और क्या मेरे सिर पे बैठ के चलेगा? कोई सवारी साधन कुछ तो चाहिए। सवारी में मेरा देख, इलाज फ्री का है, रुपया फीस कुछ नहीं लेता, लेकिन ये मेरी कुछ जो डिमांड है कि कुछ साधन मेरे लिए होना चाहिए, बिना साधन के नहीं जाऊंगा, पैदल कहीं नहीं जाता मैं, पैदल जाऊंगा तो झाड़ा लगेगा नहीं, काम नहीं करेगा। ये मुंह मसूर की दाल, रहना झोपड़ियों में और सपने शीश महल के।
जी हाँ, शॉर्ट में कह दे, सवेरा होने वाला है। सवारी चाहिए तुझे? हाँ। कौन सी सवारी चाहिए? कौन सी है तेरे पास? सारी सवारी है मेरे पास। बता, जो पसंद आएगी उस पे बैठ लूंगा और जो पसंद नहीं आएगी रिजेक्ट कर दूंगा। ठीक है तो सुन। कह दे। हाँ। हेरे भारी हीर के सर पे लड़िया। हाँ। तो चल के दिए दवाई। हाँ। मेरे पैर बहुत छोटे छोटे हैं, डिग तेरी लंबी पड़ेंगी मेरी। तू सारा ही छोटा है, कहाँ से बट बता। हाथ भी छोटे, मुंह भी छोटा, बस यू नाक पूरा सी है तेरी। मेरी बात सुन ले, ऐसे तो सुन के जहर उतारू, जब तो बड़ी हो रही है। अच्छा। तुझे पता क्या, पर मेरी बात सुन। हाँ। अगर जो तू ऐसा कहेगी तो भाभी तेरी मारी लेगी। नहीं, मेरी भाभी को जीवा दे, बड़ी मुश्किल से तो मेरे भाई का ब्याह हुआ है। पर तू गलती कर दी तने। क्या? अरे क्यों कर चालू मेरे पाव दुखे, तू असवारी ना ल्याई। कोई सवारी नहीं ल्याई। सवारी तो एक मिनट में आ जाएगी। कैसे? हर हमारी हीर के सर पे लड़िया, तू चल के दिए दवाई। सवारी, इतनी बड़ी सवारी पे इतना छोटा आदमी नहीं बैठ सकता। अब कैसे, या तो ऊंट घटाना पड़ेगा या फिर तुझे बढ़ाना पड़ेगा। मैं इसलिए नहीं बैठूंगा ऊंट पे। किस लिए? अरे इतने ऊपर दिखे, इतने ऊपर से गिर जाऊं तो हो जाना दुलाई। अरे इतने भजन गा देंगे। चलिए भाई। हाँ। यो मेरी भाभी का भाई है पटवल। पटवल मोटर कार मंगा दियो बाबा, तुझे पता है? अच्छा, मेरी भाभी है ना, मोटर कार की भी व्यवस्था है। जो मेरी भाभी है उसका भाई है पटवल, ये तुझे लेने आया कि जल्दी चल, नहीं तो मेरी बहन मर जाएगी। पटमल ना यू है खटमल। रंग तो खटमल जैसा ही हो रहा है वैसे इसका। बता। अरे मोटर कार मंगा दियो बाबा, ले जाऊं तने बिठा के। अरे बिना नाथ के, अरे बिना नाथ के बेरा जन चढ़े गेर दे जाके। हाँ, बिना नाथ के बेरा जन चढ़े गेर दे जाके। अरे मोटर साइकिल मंगवा दियो, तू चलिए है गेर लगा के। मेरे वैदिक हो जा, बिना मौत क्यों मरेगा? मारे नाल बिठा के। मेरे वैदिक हो जा, बिना मौत क्यों मारे नाल बिठा के। अरे कार नहीं तो बग्गी ला दूं, हो जा मन की चाही। अरे घोड़ा पिदक जारी, घोड़ा पिदक जा, टांगे टूट जा तो हो जा लोग हसाई। अरे क्यों कर चालू मेरे बादू खेतू, असवारी न ल्याई।
और सवारी भी बता दे, समय का अभाव है क्योंकि कुश्तियों का जो प्रोग्राम है वो भी होगा 5 बजे कुश्ती उधर दंगल में, उधर की तैयारी होने लगी है, समय थोड़ा सा बचा हुआ है जी। डांस भी होगा, चिंता ना करो, डांस भी करवा देंगे, भजन पर भी एक भजन भी करवा देंगे हनुमान जी का। कहते क्या कह रही, और क्या क्या सवारी लाओ तेरे लिए, क्या मन के चाहे, मन उनमें भी घिरनी आया करे पड़े उल्टे पिए खाए, मन उनमें भी घिरनी आया करे पड़े उल्टे पिए खाए। हिंगोली खा लेना, हिंगोली तू ही ज्यादा यूज करे। मन जोली टमटम ला दू इसी सवारी ना पाए, मैं हरगिज भी अरे हरगिज भी ना बैठ सकूं जुड़े गाँव के जाए, अरे हर के बिना बैठ सकू जब जुड़े गाँव के जाए। अरे साइकिल पे चढ़ चलिए रे बाबा ना झूठी करो सफाई, मेरा जख्म दर्द दूना हो जा ना जागी ना घुमाई, अरे क्यों कर चालू मेरे बादू खेतू असवारी ना जाई। और सवारी है मेरी नजर में, और तेरे पास में और कोई सवारी अच्छा साधन हो तो बता, उस पे लेकर के चल। एक सवारी इतनी बढ़िया है, उस सवारी पे किस्मत वाले लोग बैठते हैं। अच्छा, हाँ कौन सी सवारी है वो? वो सवारी ऐसी है, यहाँ पे कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो जिसकी किस्मत बढ़िया हो जो उस पे बैठा हो। अच्छा, अभी कोई नहीं बैठा इनमें से उस सवारी पे। तुम वो किस्मत वाला मैं ही होऊंगा? वो किस्मत वाले तुम ही हो। कैसे? सुना तने कोई सवारी पसंद नहीं? हाँ मुझे और कोई सवारी पसंद। सवारी अच्छी लगे तो तालियां चाहूंगी आप सभी की। तने कोई सवारी पसंद नहीं, गधा करके लिया तू झाड़ा, अरे गधे पे दिखे गधे पे उसे बैठाया करे जिसे हो जाने निकाड़ा, हाँ गधे पे उसे बैठाया करे जिसे हो जाने निकाड़ा। इतनी बढ़िया सवारी, गधा मेरे काम का नहीं, किस्मत वाले लोग बैठते हैं। तू बन जा किस्मत वाली, चमकाले खूब किस्मत को। मुझे तो सवारी चाहिए ही ना। ना मैं ना मुझे ही तो चाहिए सवारी, तो मुझे गधा ना चाहिए। चल गधा नहीं चाहिए। हाँ इससे भी बढ़िया एक और है मेरी नजर में। कौन सी सवारी है उसे बता। अरे गधा नहीं तो खच्चर लिया दू, ये तो गधा के चाचा का लड़का था ही। आ तो परिवार में तो है। अरे गधा नहीं तो खच्चर लिया दू असवारी का लाड़ा, अरे खच्चर हो से दिखे खच्चर हो से जात दोगड़ी जादू लगे न थाड़ा, हाँ खच्चर हो से जात दोगड़ी जादू लगे न थाड़ा। राम स्वरूप सितोली आला ना मेरी समझ में आई। अब तेरी समझ में नहीं आई ना, इतनी सवारी बताए तुझे कोई भी पसंद नहीं आई, तू चाहता क्या है? मैं ये चाहता हूँ जो मेरी अगर चाहत आपको ठीक लगे तो भाई ताली बजा देना, इसने मुझे वैसे तो गधा भी और खच्चर भी सब पे डुलाया है। हाँ पर अगर मेरी सवारी भी आपको अच्छी लग जाए तो एक बार ताली बजा देना। कहना सुन लो पहले, कह राम स्वरूप सितोली आला ना मेरी समझ में आई। थोड़ी नीचे खो, मैं तो तेरे ऊपर अरे तेरे ऊपर बैठ के चालू तू मानस होया लुभाई, तू कर चालू मेरे बादू के तू असवारी न जाई। अगर मेरे ऊपर बैठ के चले गए ऐसी जगह तो गेरूंगी तेरी टांग टूट जाएगी। कुछ भी कर ले इतने तेरा अपना काम नहीं करवा लेगी, इतने अपनी भाभी को ठीक ना करवा लेगी, इतने कहीं ना गेरेगी तुम्हें।